वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने कॉलोनी की मछलियों की सेटिंग ज़रा चेंज की थी पिछले व्लॉग में, जैसे मैंने दिखाया था। अभी देख सकते हैं, हमने कुछ मछलियाँ ज़रा नीचे कर दी और कुछ ऊपर रखाई हुई थी और इनकी कैप भी हमने सेट कर दी है। माशाल्लाह से अभी ज़रा प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो तीनों मछलियों में फीमेल और मेल दोनों ऊपर है। यहाँ फीमेल अंदर है और ये मेल ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ तो मेल भी अंदर है, फीमेल भी अंदर है। भाई हमारा सबसे अच्छा जोड़ा जिसने अभी ब्रीडिंग कर भी दी है माशाल्लाह से, 2 एग ले कर दिए हैं। अभी हम लोग दूसरे मटकी की भी अपडेट चेक करते हैं। ये एक और मटकी जिसके अंदर फीमेल अंदर है माशाल्लाह से। बाकी सब फिलहाल अभी मटकियाँ चूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें एक और प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। बाकी हमारी केज के अंदर प्रोग्रेस दिखती है हमेशा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लेक हो गया था यहाँ पे भी, एक और दो और जगह लेक करे इन लोगों ने, लेकिन वो सारे एक क्रैक हो गए। तो अभी इंशाल्लाह आगे ये इन लोगों ने मटकियाँ सही से चूज़ करनी है, तो ये लोग मटकियों में एक लेक करेंगे, तो इनकी प्रोग्रेस हम लोग देखा करेंगे। बाकी कॉलोनी में तो यही अपडेट थी, बाकी मैं आपको बाकी पेयर की अपडेट दिखाता हूँ। हमारा फर्स्ट ग्रीन टीसीबी का पेयर है जिसके 2 चिक्स आए हुए थे माशाल्लाह से। अभी इनके अपडेट दिखाता हूँ मैं आपको माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं इनके चिक्स माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी हो गई है। एक फुल ग्रीन टीसीबी में आया है मेल जैसा, बाकी दूसरा वाला ब्लू कलर में आ रहा है, ब्लू टीसीबी में आ रहा है शायद, या तो वही थी बेन जैसा ही आ रहा है ग्रीन टीसी में। अभी देखते हैं इंशाल्लाह इनके मेन फेदर जब आएंगे तो हम लोग कलर पता चलेगा इंशाल्लाह। अभी आगे हम लोग दूसरे व्लॉग में देखते हैं, दूसरे पेयर के अपडेट देखते हैं। ये हमारे ग्रीन टीसीबी का पेयर है जिसका एक चिप के साथ एक ज़रा एक्सीडेंट हो गया। आप देख सकते हैं बेचारे की ज़रा इसके हेड पे ज़रा इंजरीज आ गई हैं, ज़रा इनकी ना ये ज़रा हिट हो गया तो इसकी ज़रा पता नहीं कैसे ज़रा वो जख्म बन गए। अभी इनके ना मैंने इनको क्रीम ट्रीटमेंट कर दी है कि इंशाल्लाह अभी इनकी भी ज़रा देखते हैं इनके इसकी हेल्थ कैसी रहती है। बाकी इसके दोनों ये सबसे छोटा वाला था कि आ जा रहा था बाहर मट्टी से, मैं इसको डालता था, लेकिन कल जब इसके अंदर एक्सीडेंट हो गया पता नहीं कैसे, इसका पूरा हेड जो है वो ब्लीड कर रहा था, तो इसको साफ साफ करके हमने क्रीम लगा दी है। बाकी इंशाल्लाह इसको देखते हैं। अभी बाकी 2 चिक्स की अपडेट दिखाता हूँ मैं आपको। ये बाकी हमारे 2 चिक्स हैं, मेल फीमेल अंदर है, इनकी माशाल्लाह सेट ग्रोथ है, सेटिंग है लोग अंदर। इंशाल्लाह ये भी थोड़े दिन में बाहर आ जाएंगे, ये हम लोग इनकी भी अपडेट दिखाया करूँगा। इनकी माशाल्लाह फुल लाइन में आ जाएंगे मेरे हिसाब से थोड़े दिन में, फिर दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी अभी हम लोग दूसरे पेयर की अपडेट दिखाता हूँ। हमारा दूसरा पेयर है जिसकी फीमेल अभी अंदर है, इसके 3 चिक्स आए थे, इनकी भी ग्रोथ चेक करते हैं माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं तीनों चिक अच्छे से ग्रो हो गए, इनकी तीनों के पिंस आ गई और फ्लावर भी स्टार्ट हो गया ना, तीनों येलो टीसीबी में ही लग रहे हैं। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह इनका क्या कलर आता है। वैसे तो येलो टीसीबी लग रहा है अभी, देखते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है इंशाल्लाह। ये हमारा दूसरा पेयर था जिसके 3 चिक्स है, जिसमें से आपको जैसे देखा होगा आपने शॉर्ट्स के अंदर मैंने दिखाया था, ये चिक बाहर आ गया था और इसको मैंने फिलहाल इसको प्यारा भी प्रोवाइड कर दिया कि आराम से रिलैक्स रह सके। बाकी हम दोनों चिक्स के अपडेट दिखाता हूँ मैं आपको। ये अभी ज़रा आपको जब वो होगा अभी इंशाल्लाह इनको कल परसों में बाहर ही निकालूंगा, मेल अभी ज़रा बाहर आया है। ये अभी आप देख सकते हैं दोनों अंदर हैं, एक बैक किसी भी नहीं आ रहा जैसा ये बाहर बैठे हैं। ठीक है, एक ज़रा वाइट में ये दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्रंट में आके निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इंशाल्लाह निकल गया तो मैं आपको शॉर्ट में इसकी भी अपडेट दिखाऊँगा। बाकी अभी ऐसे ही देख लें, कल मैं इंशाल्लाह इनको निकालूंगा, अगले ब्लॉग में आपको निकाल के दिखाऊंगा। बाकी ये पेयर है, इसकी फीमेल अभी मटकी में जाना शुरू हो गई, तो हम देखते हैं इसकी कोई प्रोग्रेस है या नहीं। माशाल्लाह से इसने एग ले कर दिए जैसे जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, तो क्लियर दिख रहा होगा अभी। हाँ अभी क्लियर दिख रहा है, इन्होंने एग ले कर दिया फर्स्ट एग माशाल्लाह से। इंशाल्लाह इनकी भी अभी ब्रीडिंग वापस से आएगी तो हम इनकी भी अपडेट दिखाऊँगा मैं आपको। बाकी हमारा एक यहाँ पे पेयर था जिसकी एक ओबरोमो ब्लू ओबरोमो का मेल है और टीसीबी की फीमेल है, इसकी भी मटकी हमने साथ में लगाई थी, इनकी भी देखते हैं इनकी कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं। इनकी तो कोई खास प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही, इंशाल्लाह इनकी भी थोड़े दिनों में दिखाई देगी, तो हम लोग चेक करेंगे अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। बाकी हमारे रिंगनेक का पेयर है बाहर ही है, क्योंकि हमने इसका बॉक्स क्लोज कर दिया
बॉक्स क्लोज कर दिया था क्योंकि क्योंकि इसके जो एग्स आ रहे थे वो अनफर्टाइल थे, तो हमने इनका बॉक्स क्लोज कर दिया था। तो अब ये शोर कर रहे हैं क्योंकि इसको पता है हमने बॉक्स क्लोज कर दिया, इधर अग्रेसिव हो गए, इनके एग्स अनफर्टाइल थे तो मैंने फेंक दिया था। उसको ज़रा गैस पर रखेंगे, थोड़े दिन बाद इनके वापस इनका बॉक्स खोल के सेट करके इनको प्रोवाइड कर देंगे। भाई हमारे लब्बर अंदर हैं, इनकी चिक्स की डेट अभी आएगी जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैं अभी देखते हैं इसका आया। अभी तो कोई चीज़ आया नहीं है, वैसे तो आप देख सकते हैं ये लोग बैठे हुए हैं तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई चीज़ आया नहीं है। इनकी डेट अभी आ जाएगी इंशाल्लाह, देखते हैं एग में एग ख़राब तो नहीं हुआ अभी तक, देखते हैं इंशाल्लाह। बाकी आज का व्लॉग यहीं तक, जज़ाक अल्लाह फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, मैं आपको अलग अलग बर्ड की इसकी अपडेट दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह, और ग्रोथ भी दिखाऊँगा। आज हम लोग बस यहीं व्लॉग एंड करते हैं, जज़ाक अल्लाह फॉर वॉचिंग।